आगरा नई ऊंचाई तक आगरा शहर को लेकर जाना है। तैयार करना है वह खाका जो आगरा को इंदौर, मुंबई और चंडीगढ़ की तरह ही स्वस्थ और स्वच्छ शहर बनाए। आगरा का नाम देश में ही नहीं विश्व पटल पर ताज की तरह चमके। मेयर का चुनाव जीतने के बाद आगरा को संबोधित करते हुए हिमलता दिवाकर ने यह बात कही। मौका था नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूपी एवं यूपी वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित नवनिर्वाचित महापौर आगरा एवं पार्षदों के स्वागत एवं सम्मान समारोह का। 19 मई 2023 शुक्रवार को फतेहाबाद रोड स्थित द कियान सलोनी में स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष राजेश गोयल, यूपी वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर, यूपी लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री राकेश गर्ग, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉक्टर जीएस धर्मेश, एमएलसी विजय शिवहरे, भानु महाजन, शैलू पंडित, सुमित कोहली द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। आगरा शहर की नई सरकार का स्वागत ढोल बजाते हुए किया गया। सभी पार्षदों को स्मृति चिन्ह एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मेयर हिमलता दिवाकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शहर को विकास की राह पर और आगे ले जाने के लिए सभी औद्योगिक संगठन और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर खाका तैयार किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वह जल्द से जल्द शुरू हो और नई प्लानिंग शहर की विकास की तैयार हो। उन्होंने कहा कि इस बार सदन में मातृशक्ति अधिक संख्या में है। पूरी उम्मीद है कि सभी महिला एवं पुरुष पार्षद मिलकर शहर को एक नया रूप देंगे। उन्होंने पार्षदों से भी अपील की कि पार्टी को भूलकर अपने दायित्वों का निर्वाह एकजुट होकर करें। अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे आयोजन में नगर निगम के सभी वार्ड के पार्षद उपस्थित रहे। इसके अलावा नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, अतुल गुप्ता, श्री कृष्ण गोयल, अमर मित्तल, अशोक गोयल, राजीव अग्रवाल, गोपाल खंडेलवाल, विष्णु गर्गम्बा अरोड़ा, यूपी वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के संरक्षक संजय अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक मनीष अग्रवाल, सुनील विकल, अशोक चौबे, शिशिर भगत, चंचल गुप्ता, एकता जैन आदि उपस्थित रहे। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी के साथ विष्णु कुमार की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। कुमार जी वार्ड नंबर 43 बनवारी लाल जी वार्ड नंबर 43। मैं संजीव शिकरवार निर्दलीय पार्षद हूँ वार्ड 69 आवास पर दक्षिण से। आज मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज जो कार्यक्रम यूपी वेडिंग इंडस्ट्री द्वारा कार्यक्रम किया गया है, सभी पार्षदों को एक साथ एक जगह बुलाकर जो आज सम्मान दिया, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेयर साहब को भी और 100 पार्षद तो सभी, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे पार्टी को, और अपनी क्षेत्रीय जनता को भी बधाई दूंगा। 1135 जो विजय बुलाकर सदन में पहुँचाया है। नहीं, पिछले कार्यकाल में 5 वर्ष मेरी धर्मपत्नी का रहा और उसकी कमान मैंने संभाल रखी थी विकास से संबंधित, तो विकास का ही नारे के ऊपर, विकास के ही ऊपर मुझे वोट मिला। पिछली बार 106 वोटों से विजयी हुई थी मेरी पत्नी की, इस बार 1135 वोटों से मैं विजयी, मेरी क्षेत्रीय जनता ने मुझे जिताकर, अपनी जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जयदीप सोनकर 42 से पार्षद बालूगंज। आज किस तरीके का यहाँ का आयोजन हो रहा है? आज स्वागत समारोह रखा गया। किन किन का स्वागत? पूरे आगरा के जितने वार्ड के 100 पार्षद सभी को बुलाया गया, उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया मोहर के द्वारा। आप जो अपने पार्टी पार्षद चुने गए, क्या प्राथमिकता रहेंगे जी? क्या प्राथमिकता रहेंगे आपके जीतने के बाद? हमारी प्राथमिकता जो समस्या है जनता की क्षेत्र में बाढ़ों के अंदर, वो पूरी समस्या पूरी करेंगे। जो समस्या हमने वादा किया कार्यकर्ताओं से और जनता से, जो अपील करके जो हमें सदन में पहुँचाया है, वो पूरा वादा करेंगे, हम काम करेंगे कार्यकर्ताओं का। जनता की समस्या तो कोई नहीं है, योगी और मोदी ने समस्या सब कर रखा है। वो तो नगर निगम के द्वारा छोटी मोटी समस्या रहती है, वो तो करेंगे, हम रह गए बाकी बकाया रहेंगे काम, बाकी तो सभी काम विकास बढ़िया चल रहा है।
और वो समस्या भाग रहे हैं। आपने आप किस तरह का मजबूत कर रहे हैं? बहुत अच्छा मजबूत कर रहे हैं, जनता का बहुत आशीर्वाद मिला है, वार्ड 41 का पूरा सपोर्ट मिला है, सबका सम्मान मिला है और उसी सम्मान से हम भी कार्यकर्ताओं का सम्मान रखेंगे, कार्यकर्ताओं काम करेंगे। जनता पहले पार्षद चुने गए, संगठन का काम मैंने बहुत किया है, अच्छा विकास किया उन्होंने भी, जो पूर्व पार्षद तो उन्होंने भी विकास अच्छा किया है। वो भी तो खरा उतरेंगे हम थोड़ा, जैसे जनता ने मुझे खरा उतारा है तो मैं भी जनता खरा उतरूंगा काम में। मेरा नाम गुड्डू मेनन, वार्ड 30 भाजपा का प्रत्याशी हूँ। प्राथमिकता रहेगी कि मुझे भूख रहेगी जनता के काम की, कि जनता आए और काम करने के लिए मैं तैयार रहूं। क्या क्या काम करेंगे जनता के लिए? जो नगर निगम के जो कार्य है, साफ सफाई के, निर्माण के, जो सारे कार्य हैं वो सारे कार्य करूंगा। मैं काफ़ी टाइम से संगठन का काम कर रहा हूं और काफ़ी दिन से कर रहा हूं, तो मुझे खुद भूख है कि मैं जनता के कहीं काम आ सकूँ। और संगठन का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस लायक उन्होंने मुझे समझा और मुझे जिम्मेदारी दी। और अभी मैं पार्षद बना हूँ, उससे पहले भी मैं जनता की सेवाएं निरंतर कोरोना के टाइम से करता आ रहा हूँ। आपके सबसे ज्यादा समस्या क्या, किस चीज़ समस्या वार्ड की, क्या समस्या दिख रही है? मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा समस्या ना हो के साफ सफाई से संबंधित नाला नाली ये है, और खरंजा वगैरह पानी वगैरह आप गंगा जल आ गया है, पानी की इतनी समस्या नहीं है, साफ सफाई की समस्या रहेगी, उस पर निरंतर हम उस पर यहाँ पे सम्मान समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे नव जो है हमारी मेयर साहिबा और जो नव पार्षद हैं, सो उनका जो है सम्मान समारोह है।